प्रदेश जो है वो बेलगाम हाथों में। खट्टर साहब अहंकार के नशे में सवार होकर 75+ हासिल करना चाहते हैं और इस बात की चिंता उन्हें नहीं है कि हरियाणा के अंदर आज प्रतिरोज 2 से 3 मर्डर होते हैं, 7 से 8 डकैती के ऐसे काले कारनामे होते हैं। आज हर हफ्ते में अनेकों रेप के मामले हरियाणा में सामने आते हैं। आज डॉक्टर अस्पताल में सुरक्षित नहीं है। करनाल में जो घटना घटी वो ये दर्शाती है। आज प्रदेश के जनसेवक, प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टियों के लोग सुरक्षित नहीं हैं। फरीदाबाद में एक नेता को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। आपके कैथल की घटनाएं हैं, किस प्रकार व्यापारियों पर यहां अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। ढांड के अंदर जो घटना घटी वो किसी से छुपी नहीं है। आज प्रत्येक दिन हरियाणा के अंदर जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है, इस हरि के निवास हरियाणा को बीजेपी के लोगों ने गुंडे और असामाजिक तत्वों के हाथों में छोड़ दिया है और खुद 75+ का सपना संजोकर उस अहंकार में घूम रहे हैं। आज बीज नकली मिलता है और खाद लेने जब जाते हैं तो खाद के दाम सुनकर किसान के माथे पर पसीना आ जाता है। आज व्यापारी दुखी है, आज कर्मचारी दुखी है। कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है, चाहे वो रोडवेज के हों, नेरी मैकवे के हों, टीचर हों, और चाहे भाई हमारे पुलिस वाले भाई हों, आज सारे कर्मचारी दुखी हैं। आज युवा दुखी हैं क्योंकि कहा तो जा रहा है कि फेयर नौकरियां मिल रही हैं, मगर नौकरियां मिल कहां रही हैं ये किसी को नहीं पता। युवाओं को बरगलाया जा रहा है। पीएचडी करे हुए लड़के लड़कियां, एमकॉम, बीटेक, बीकॉम करे हुए नौजवान जो हैं वो आज चपरासी की 4th क्लास की नौकरी लगने पर मजबूर हैं। ये बेलगाम हरियाणा, बेलगाम हाथों में आज जो हालात पैदा हुए हैं देश में और जो प्रदेश के अंदर, उसको लेकर के चाहे वो बैकवर्ड और दलित के मुद्दे हों, चाहे वो कर्मचारी के, व्यापारी के, नौजवान के, चाहे वो किसान के मुद्दे हों, उन सभी मुद्दों को लेकर के पार्टी ने फैसला लिया है कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में हम बड़े प्रदर्शन करेंगे। और आज आपने देखा कि हजारों की संख्या में जेजेपी के कार्यकर्ता और कैथल की जनता ने जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए आज सचिवालय का घेराव किया। हम डीसी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम मैडम का इंतजार कर रहे हैं कि वह आकर हमारी आवाज। अनिल विज के ये बयान है कि राज ठाकरे की ऐसा है, जिस कंटेक्स्ट में ये बात कही गई, जिस कंटेक्स्ट में ये बात कही गई और दुष्यंत जी ने बिल्कुल स्पष्टता से कही कि मेरी प्राथमिकता, हमारी पार्टी की प्राथमिकता हरियाणा के प्रत्येक नौजवान को सुनिश्चित रोजगार देने की, और सुनिश्चित रोजगार देने के लिए अगर हमें आरक्षण की पॉलिसी, 75% आरक्षण हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में जो लाखों पद हैं उनमें लागू करना पड़े, जो सिर्फ आज 8% है। आज बिहार का युवक आता है उसे नौकरी मिल जाती, यूपी का आता है उसे नौकरी मिल जाती। हमारे वो दुश्मन नहीं है, ना ही हमें उनसे कोई परेशानी है, मगर प्रायोरिटी और पहला हक जो है वो हरियाणवी का होना चाहिए। ये हरियाणा की जनता भी मानती है और जेजेपी भी मानती है, और इसके लिए इस रास्ते को चाहे आप राज ठाकरे, चाहे बाल ठाकरे, चाहे कोई और ठाकरे का नाम दो, मैंने ये कहा, मैं पुनः ये कह रहा हूँ, अनिल विज जी से कहूँगा, हरियाणा की सरकार से कहूँगा, प्रदेश के युवकों से कहूँगा कि आप अपनी चिंता जेजेपी पर छोड़ दें। सत्ता आते ही पहली कलम से प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में हम 75% आरक्षण हरियाणवी नौजवान पीढ़ी का लागू करेंगे और उन्हें न्याय देंगे। विधानसभा में किसी की अगली बॉल पे क्या हो जाए ये आपने वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में देख लिया होगा, तो अभी उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। समान विचारधारा के लोगों को साथ लाने का सदैव प्रयास स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने भी किया और उनके विचारों पर चलकर देखिए आप हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश से उठकर जनता दल बनाकर और समूचे राष्ट्र में उन्होंने अपना पताका किसान कमेरे की आवाज को लाल किले तक पहुंचाया था। अगर वो प्रयास दुष्यंत आने वाले समय में करेंगे तो फिर हरियाणा की जनता और हम सब लोग उनका मजबूती से साथ देंगे। सर, आपका लोगों के साथ कितना बड़ा कुठाराघात और कितनी बड़ी बेकायदगी, झूठ बीजेपी की सरकार ने उनसे कहा बोला और सिर्फ वोट ठगने के लिए लोकसभा के चुनाव में ऐसा किया। मनीठी में जो एम्स बनना था, रेवाड़ी में जो एम्स बनना था, दक्षिण हरियाणा को जो सौगात मिलनी थी उसके लिए कभी राव इंदरजीत जी ये कहते थे कि ये मैं लेकर आया, कभी खट्टर साहब ये कहते थे
यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब रैली करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं मुबारकबाद देता हूं, दक्षिण हरियाणा की जनता को बधाई देता हूं एम्स के लिए। कितनी शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री अपने मुखारवंद से कोरा झूठ बोले सिर्फ वोट के लालच के लिए। ये बीजेपी का असली चेहरा है। अगर एम्स कोई दक्षिण हरियाणा में लेकर के आएगा और दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर तक कोई एसवाईएल का पानी पहुंचाएगा तो ये भविष्य में जननायक जनता पार्टी और भाई दुष्यंत सिंह चौटाला। बीजेपी का पार्टी का कोई कल्चर नहीं है और लोकसभा के चुनावों से रिजल्ट्स को देख करके और प्रोत्साहित होकर के कुछ लोभी लालची लोग और कुछ नहीं, क्योंकि राजनीति के अंदर भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो सब अपना रास्ता बीजेपी की ओर इख्तियार कर रहे हैं इस आस और उम्मीद से कि भाई अब सरकार बीजेपी की बन जाए तो तुम्हारा कोई दाव लग जाए। मगर सोचने की बात यह है कि ये चुनाव स्टेट के मुद्दों पर लड़ा जाए। आज से 6 महीने 7 महीने पहले राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, तब मोदी के नाम पर वोट नहीं डला था, स्टेट इश्यूज पर वोट डला था और बीजेपी को हार चखनी पड़ी थी। आने वाले 6 महीने में, 4-5 महीने में जब चुनाव हरियाणा में होंगे तो ये बहुत बड़ी भूल वो ओवर एम्बिशियस लोग, लोभी लालची लोग कर बैठे हैं। मगर अच्छा है, ऐसे लोगों की छटनी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आने वाला जब समय होगा तो फिर खट्टर के मुकाबले चुनाव होगा। और कांग्रेस के जो हालात आज बने हैं प्रदेश में, आपने लोकसभा के चुनावों में भी देखा कि कांग्रेस आपस में लड़ भिड़ करके, क्योंकि यूनाइटेड फ्रंट नहीं है, वो विपक्ष बन करके लड़ाई नहीं लड़ सकती। अगर लड़ाई कोई लड़ सकता है तो वो जेजेपी और दुष्यंत चौटाला लड़ सकते हैं, ये प्रदेश की जनता ने माना भी है। और मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ, देखो आप कितना फर्क था, बाई इलेक्शन जब हुए तो हमें 38,000 वोट मिला क्योंकि लोगों ने स्टेट असेंबली के नाम पर वोट दिया, मगर लोकसभा की जब बात आई तो राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट दिया। आने वाला जब चुनाव होगा तो फिर निश्चित तौर पर जैसा जन समर्थन हमें जींद में मिला उससे भी ज्यादा, 19 नहीं बल्कि 21 होकर के हरियाणा के लोग जो है, हरियाणा की महान जनता दुष्यंत को अपना आशीर्वाद देगी। आपने उठाया मुद्दा कुछ ऐसे लोगों का, तो आप उनकी भाषा शैली से ही अंदाजा लगा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी के अंदर किस कल्चर और किस संस्कृति, किस प्रवृत्ति के लोग आज एकत्रित हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक अधिकार है, मैंने जो बात कही मैं आज भी उस पर अडिग हूं, मैं आज भी ये कह रहा हूं मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अब एक छोटा सा उदाहरण है, जब आप कोई खेल देखते हैं आपको कोई बल्लेबाज पसंद आ सकता है, कोई नहीं आ सकता। मैंने किसी महिला पर टिप्पणी की, मैं प्रत्येक महिला का और सपना चौधरी जी का भी सम्मान करता हूं, मगर जब बात कला की आए तो मुझे जो कला अभद्र लगे मैं उसे अभद्री कहूंगा, तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं आज भी अपनी बात कह रहा हूं और मैंने किसी को गाली नहीं दी। मैंने इलेक्शन कमीशन और इसको वुमेन कमीशन को लिखा है कि मुझे कुछ और समय दिया जाए, मैं जब उनके सामने पेश हूं तो फिर कोई कमी खामी ना रहे, मैं अपना पक्ष, और क्योंकि ये मेरा अधिकार है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के देश में हम रहते हैं और ये फंडामेंटल मौलिक अधिकार जो है उसका मैं पूर्णतः उपयोग कर अपनी बात मजबूती से रख सकूं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात पर कोई खेद जताने की जरूरत है। थैंक यू।